चिगुरू पाटी जयराम मर्डर केस में आज तीन लोगों को अरेस्ट किया है आज। उसमें दो लोग सत्या और किशोर के दो नाम के आदमी चिगुरू पाटी जयराम को जुबली हिल्स क्लब से राकेश रेड्डी के घर तक लेके आने की मदद करे वो लोग राकेश रेड्डी को, और इसके वजह से राकेश रेड्डी जो अपने जयराम को कस्टडी में रखे नेक्स्ट डे मर्डर किया। इसका साथ के लोग दो लोग दिए, इसमें लोगों को 341 सेक्शन और 420 ये दो सेक्शंस में इनको आज अरेस्ट करके रिमांड करा। तीसरा आदमी जो है अंजी रेड्डी, ये 30th के दिन राकेश रेड्डी के घर आने के बाद राकेश रेड्डी और जयराम जो डिसीज्ड है वो दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था ये प्रॉपर्टी के बीच में, उसका पूरा विटनेस ये अंजी रेड्डी है। वो 30th को ये अंजी रेड्डी भी उसको एक सलाह देके कि सेटल करने के लिए बोलने के बाद वो अंजी रेड्डी वहाँ से 30th को चला जाता। फिर 31st को मर्डर होने के बाद वो अंजी रेड्डी वहाँ घर पहुँचता। पहुँचने के बाद वो पूरा जो मर्डर हुआ सो बॉडी और उसके बाद में डेड बॉडी को ऊपर से नीचे लेके आने का वो पूरा जितना भी प्रोसेस है वो पूरा उसमें खुद वहाँ पे रह के ये पूरा विटनेस करता हूँ। नीचे आने के बाद बॉडी को गाड़ी में रखने से पहले ये अक्यूज्ड राकेश रेड्डी जबरदस्ती जो दो स्टैम्प पेपर्स जयराम के जब जिंदा थे उनके पास साइन करे वो, और जो लगभग 10 एम्प्टी पेपर्स जितने भी वो सिग्नेचर्स कर रहे थे डिसीज के वो सब अंजी रेड्डी को देके वो सेफ कस्टडी में रखने के लिए अंजी रेड्डी को सौंपता है वो। तो इसके वजह से अंजी रेड्डी स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंस एविडेंस 201 और कन्फाइनमेंट इलीगल कन्फाइनमेंट ये दो सेक्शंस में उसको अंजी रेड्डी को आज अरेस्ट करे उसको भी रिमांड कर रहा है। पैसा जबरदस्ती पैसा वसूल करने का एक्सटॉर्शन जबरदस्ती या डॉक्यूमेंट साइन करवाए डिसीज जयराम से, बाद में शायद यही डॉक्यूमेंट जो उनके प्रॉपर्टीज रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल करने की उनका कोशिश था।